हर कोई अपनी त्वचा का, बालों का तो ध्यान रख ही लेता है, लेकिन पैरों का ध्यान शायद कोई कभी कभी नहीं रख पाता है। कभी कभी पैर इतने ज़्यादा गंदे दिखने लगते हैं, इनकी एड़ियाँ फटने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि अब एक सही समय आ चुका है कि जल्द से जल्द हमें इन पैरों का ध्यान देना पड़ेगा। तो देर हो जाए उससे पहले ही अपने पैरों पर ध्यान देना शुरू कर ले दोस्तों, और घर में आसानी से कम दाम में ही अगर ये सारी पैरों की गंदगी और अगर एड़ियाँ फटनी शुरू हो गई हैं, सारी समस्या दूर हो जाए, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। तो चलिए आइए बताते हैं इसको कैसे करना है और अपने पैरों का कैसे आपको अच्छे से केयर करना होगा घर पे। सबसे पहले ले लीजिए एक टब में थोड़ा पानी और ले लीजिए साथ ही में थोड़ा सा बेकिंग सोडा। ये जो पानी है थोड़ा सा गुनगुना है, ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का गर्म रखा हुआ है, और थोड़ा सा शैम्पू ले लीजिए। अन्य एक दो चीज़ें और लेनी होगी आपको, वो मैं आगे इस वीडियो में बताता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आपको लेनी है ताकि आप अपने पैरों की एकदम शाइन वापस ला सकें, क्योंकि पैरों की खूबसूरती भी पर्सनैलिटी की खूबसूरती दिखाता है। कभी कभी हम बेड पे बैठे होते हैं परिवार के साथ और हमारी तलियां काली काली फटी हुई दिखती हैं तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो क्या करा है, गुनगुने पानी में सबसे पहले हमने 2-3 चम्मच बेकिंग सोडा के आसपास डाल लेना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक दो सामग्री ही घर पर पड़ी हुई इसमें और जाएगी, वो सारी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, और उसके बाद आपको कैसे इसको अच्छे से साफ करना होगा वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आधा आधा चम्मच भी नहीं आ रहा इस सोडे में, लगभग हमें 1-1.5 चम्मच 3-4 बार में अलग अलग जगह ऐसे डाल दिया है, और इसके ऊपर डालेंगे हम लगभग थोड़ा सा ही वाइट विनेगर। विनेगर सभी के घर में आसानी से मिल जाता है, ना हो तो विनेगर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं, नींबू भी अच्छे से चिकनाहट को काटता है, गंदगी को काटता है। तो फटाफट से हमने थोड़ा सा विनेगर डाल दिया। इसके बाद हमने डालना है थोड़ा सा शैम्पू, कोई भी शैम्पू आपके घर पर रखा हो, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, डाल सकते हैं। शैम्पू ना हो तो आप इसे साबुन से भी मल सकते हैं, बस शैम्पू से क्या है थोड़ा सा स्मूथनेस, थोड़ा सा मुलायम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए इसको आप क्या करें, पैरों की मदद से हल्का सा, हाथों की मदद से हल्का, पैरों की मदद दोनों का इस्तेमाल करके इस झाग को बना लीजिए। तो हटाफट हम इसको ऐसे ही मिक्स कर लेंगे और आप देखेंगे आपके सामने लगभग 15-20 सेकंड में ही एक ठीक ठाक झाग बन के तैयार हो जाएगी। बस ऐसी झाग बना लीजिए और अपने पाँव को उस झाग में थोड़े थोड़े गर्म पानी में पड़े रहने दीजिए लगभग 2-4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा, जो आपकी गंदगी है वो नरम हो जाएगी। इससे दोस्तों एक ख़ास चीज़ और हमें मिलता है, मान लीजिए हम थक के आए हैं कई काम से, तो पैरों को गर्माहट देने से वो थकावट दूर होती है, बहुत आराम मिलता है शरीर में और शरीर खुल सा जाता है। एक रब करने के लिए हमने एक स्क्रबर सा ले लिया है, काफ़ी सॉफ्ट सा लिया है, आप ऐसा ही कोई सॉफ्ट स्क्रबर भी ले सकते हैं और पैरों को अच्छे से घिस सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा 2-3 मिनट के लिए आप इसको पानी में ही रखें। पानी में रखने से आपकी जो गंदगी है वो कटती है, नरम पड़ती है और पानी में ही छूट जाती है। और अगर ऐसा हो जाए तो कितना अच्छा होगा हमारे लिए, अगर गंदगी पानी में ही कट जाए, जो इसकी जो डेड स्किन बन रही है वो भी पानी में निकल जाए, तो किससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसको ऐसे ही हमने अच्छे अच्छे से घिसता रहे हैं, लगभग 2-3 मिनट हो जाएंगे तो आप पानी से बाहर भी पाँव को निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक चीज़ और मेंशन करके बताई थी, इससे आराम भी बेहद मिलता है क्योंकि शरीर के खिंचाव भी दूर होते हैं। कहते हैं कभी कभी आपको आराम चाहिए, गर्म पानी में पाँव डाल के छोड़ लें। तो बस इसको ऐसे अच्छे से हमने आराम से घिस लिया है, अच्छा सा मुलायम करने की कोशिश करी है, गंदगी निकालने की कोशिश करी है, डेड सेल हटाने की, डेड स्किन हटाने की कोशिश करी है। तो बस इसी तरीके से आप इसको आराम से काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि थोड़ा सा और रगड़ने की ज़रूरत है तो थोड़ा ज़्यादा रगड़ लीजिए, जैसी गंदगी उस हिसाब से रगड़ लीजिए। बस अब फटाफट से हम क्या करेंगे, दोनों के दोनों पैर रगड़ने के बाद इसे टॉवल से पोंछ देंगे या फिर बाथरूम में जाके आप पाँव को धो भी सकते हैं, जैसी आपकी सुविधा हो, जैसा आपका मन हो आप वैसे कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं पैर अच्छे से हमारे क्लीन हो रहे हैं और बस हम भी यही चाहते थे कि पैर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। आपको एंड रिज़ल्ट दिखाएंगे जो बेहद ही आपको खुश करेगा कि कितने अच्छे से पाँव हमारे साफ हुए हैं। दोस्तों अगर आप भी अपने पाँव को ऐसे साफ करना चाहते हो तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, आपको दिखता रहेगा और आप इससे अच्छी अच्छी प्रेरणा लेते रहेंगे, क्योंकि पाँव सभी के साफ़ होने बहुत ज़रूरी होते हैं। घर में कभी कभी हम नंगे पाँव भी घूम लेते हैं, उसकी वजह से भी हमारे पाँव गंदे हो जाते हैं, कभी काम भी ऐसा हो जाता है कि नंगे पाँव घूमना पड़ जाता है। तो इन सारी सिचुएशन में पाँव को आप ऐसे अच्छे से क्लीन करके रख सकते हैं, 1-2 मिनट और डुबा के रख सकते हैं, जितनी देर आप चाहें, लगे कि आपको अभी और इसमें गंदगी खत्म हो सकती है तो उतना ही ज़्यादा 2-4 मिनट बार बार और डुबा के रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको टॉवल से पहुँच के अभी हम आपको दिखाएंगे कि इसका एंड रिज़ल्ट क्या है और आप बेहद ही ज़्यादा खुश हो जाएंगे एंड रिज़ल्ट को देख के, इतने अच्छे शाइनी ये हो चुके हैं पैर हमारे और जो पानी है वो इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है, डर्टी हो चुका है। हमने जब बाद में वॉशरूम में जाके इस पानी को फेंका तो देखा कि पानी में कितनी गंदगी थी, इसका मतलब साफ़ है कि पाँव में भी गंदगी थी, लेकिन अब फाइनली देखिए पाँव कितना अच्छे से साफ़ हो चुके हैं, बहुत ही अच्छा। ऊपर हल्की सी हमने क्रीम लगा दी है मॉइस्चराइज़ करने के लिए, और ही बढ़िया नमी मिल गई है पाँव को। अच्छा लगे वीडियो तो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, हमारे को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चलता हूँ फिर से कोई नई टिप्स और ट्रिक्स और रेसिपीज़ के साथ लौटूंगा दोस्तों, थैंक यू।